Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My name is Amran Ansari, aap sabhi logo ka Varun Dhawan, Anil Kapoor, Neetu Kapoor and Kiara Advani ki film Jug Jug Jiyo ke day number 3 ke box office collection prediction, audience occupancy and show count episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Friday, Saturday, Sunday over. And now it all boils down to the all important Monday. Lekin bhaiya, आप तो सैटरडे के बाद संडे से ही यहाँ पर स्टीम लूज करना शुरू कर दिए हैं. अभी से जुग जुग जियो जो है, जो रात के शोज स्पेशली 9 बजे 10 बजे 11 बजे वो पूरी तरह से खाली होना शुरू हो गए हैं. वो नज़ारा जो आप कल देखोगे मंडे को, वो नज़ारा आप देख रहे हो संडे नाइट को. तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आज का दिन क्या आना चाहिए था, क्या आया, कितना ग्रोथ दिखाया है इस फिल्म ने. तो पहले हम एग्जैक्टली अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भैया इससे पहले के आर्टिकल जाना स्टार्ट हो जाए कि भाई नाइट शोज आर गोइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मैं अपना काम जो है वो करके आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ. सो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं मुंबई के हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीपल दिस इज एन हाई एंड मल्टीप्लेक्स फिल्म. अगर इस बात करें पीवीआर मार्केट सिटी कुर्ला की, बहुत ही पॉश सिनेमा घर है. ओके, प्राइसेस सभी लोगों को पता, 320 रुपए रखे गए हैं. सो गाइज, रात के शो अगर देखोगे आप गाइज, एब्सोल्युटली क्लीन. अगेन 10 PM, 11 PM शो, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्राउड. अब हम आएंगे प्लाजा सिनेमा दादर में. अरे भैया, पूरी जिंदगी निकल गई मुंबई में. हाँ, प्लाजा में बचपन से पिक्चर देखे भैया, लेकिन 400 रुपए की टिकट कभी प्लाजा में देखे नहीं है. गाइस सीरियसली, प्लाजा सिनेमा, आई वाज अ स्मॉल किड, तब से मैं प्लाजा में पिक्चर देखता हूँ, लेकिन प्लाजा सिनेमा में 400 फॉर ए फिल्म लाइक जुग जुग जियो, नेवर सीन. वो हिट एंड रन का एग्जांपल है ना, बस दो तीन दिन में जितना पैसा बटोर सकते बटोरो एंड लेके पैसा निकल जाओ. KGF के लिए, एक RRR के लिए, हाँ मैं सोच भी सकता हूँ 400 रुपये देने के लिए गाइस, लेकिन फॉर अ फिल्म लाइक जुग जुग जियो 400 रुपीज की प्राइसिंग इनसेन है. एंड नजारा आप देख सकते हो, 9:30 का पूरा शो जो है खाली है, लेकिन परसेप्शन अभी क्या क्रिएट किया जाएगा, नाइट शोज एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटास्टिक. बात करो गाइस मूवी टाइम स्टार सिटी की, माटुंगा, हमने कितने पिक्चर यहाँ पर देखी है, बहुत सारे. मैं आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो वहीं लेकर जाता हूँ. एंड गाइस देख सकते हो 10:30 का नजारा, इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी. जब एपिसोड में बना रहा हूँ तब गाइस यहाँ पर एग्जैक्टली 8:30 हुए हैं. एंड अब गाइस जो आखिरी थिएटर हम देखने वाले हैं वो है गेटी गैलेक्सी. आप लोगों ने देखा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे कोई पब्लिक रिव्यू आया गेटी में से? कोई नहीं आया. ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ होगा कि सैटरडे संडे गेटी से रिव्यू नहीं आया. सो गाइस, मेरा हर एपिसोड में मैंने आपको विथ प्रूफ एंड फैक्ट सारी चीजें बताया है. ऐसी बातें नहीं, मैं चाहता हूँ हर फिल्म अच्छा बिजनेस करे. अरे मैं तो चाहता हूँ कि खराब फिल्म भी आती है ना वो भी अच्छा बिजनेस करे, लेकिन ऑर्गेनिक करे. वी नीड टू डू ऑर्गेनिक बिजनेस. यहाँ पर रणबीर कपूर ने, आज रणबीर कपूर के बहुत सारे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल रणबीर कपूर की PR एक्टिव हो चुकी है. एंड वो शमशेरा एंड ब्रह्मास्त्र कैसी प्रमोशन कर रही है, रणबीर कपूर डज नॉट हैव अ PR. समझ में आ रहा है आप लोगों को? रणबीर कपूर ने एक बहुत पुराना इंटरव्यू में कहा था, PR इज एन डेथ ऑफ एन एक्टर. एंड कल के एपिसोड में मैं शाहरुख खान के एपिसोड में आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, PR आर्टिकल्स, प्रमोशंस, फेक कलेक्शंस, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगे. समझ में आ रहा है? बी ऑर्गेनिक. समझ में आ रहा है? शाहरुख खान, ये सब लोग जो अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं ना, आजकल का जो नया जनरेशन है, नया दौर है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब एक परसेप्शन पे डिलीवर्ड है. एक छोटा सा आर्टिकल कुछ आ जाता है ना तो ये लोग वो कराते हैं भाई, रेक्टिफाई करवाने में जान तोड़ के लगा देते हैं. हाँ, ऐसा आप लोग स्टार्स बनोगे? हाँ, बी ऑर्गेनिक. मैंने हर पिक्चर कलेक्शन को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री बूम हो, लेकिन जब इनऑर्गेनिक चीजें होती है ना, एंड समवन नीड्स टू टॉक अबाउट इट. जो मैंने किया है एंड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मेरे को जानता हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है मेरे को कि मैं अपना काम बराबर से कर रहा हूँ, एंड विथ फैक्ट्स मैंने सब आपको बताया है. ओके गाइज, एंड एक और चीज़ है जो मैं आपको ट्यूजडे सुबह को बताऊंगा, एक वीडियो है थिएटर से, जिसके बाद सारी की सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए ट्यूजडे को इंतजार कीजिए आप लोग. बात करें गाइज यहाँ पर डे नंबर 3 की, तो एडवांस बुकिंग हुई थी 6 करोड़ रुपए की. 6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में ना फिल्म हंसते हंसते 16-17 करोड़ रुपए चली जाती है, जब उसका ट्रेंड इतना सॉलिड होता हो. लेकिन यहाँ पर जुग जुग जियो अभी कितने करोड़ जाते हुए दिखाई देगी, यही इसीलिए आज का एपिसोड जो है वो हमने बनाया है.
सो गाइस हम शुरुआत करेंगे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी से। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी फॉर जुग जुग जियो वो एब्सोल्युटली मिनिमलिस्टिक। आज संडे के भी शोज है वो सुबह 8-10% पे खुले थे। आपको सुबह का एपिसोड देखना है आप जाके चेकआउट कर सकते हो सुबह का एपिसोड। आस्ते आस्ते जैसे जैसे 12 बजा ऑक्यूपेंसी 15% की हुई, उसके बाद आफ्टरनून होते होते ऑक्यूपेंसी बढ़ी 20-22%। गाइज मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, इसके पास 1000 शोज है सामने फिल्म के नाम पर, इसके पास कुछ भी नहीं है एज कॉम्पिटिशन। इतनी अच्छी फिल्म होती, इतनी माइंड ब्लोइंग फिल्म होती ना, तो 1000 में से 500 शोज भर्ती थी, सामने कोई भी फिल्म नहीं रिलीज होने के लिए। एंड गाइज इसका जो संडे होता है ना वो 20 करोड़ रुपए के होता। जिस तरह से 5 स्टार मिला, 4 स्टार मिला, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये फिल्म दिस इज लाइक द ऑस्कर विनिंग फिल्म। मैं लिखा देता हूँ ना, अगर ये फिल्म इतनी अच्छी होती तो ये 20 करोड़ के ऊपर जाती थी। इससे पहले भी हमने देखी है ऐसी जॉनर की फिल्में। गुड न्यूज ही ले लो, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। गुड न्यूज ने क्या बिजनेस किया, 200 करोड़ रुपया गई थी। तो ये बोलना कि ये फैमिली कॉमेडी जॉनर 200 करोड़ नहीं जा सकती है, ये गलत होगा गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ बात करें गाइस यहाँ पर अब इसके आफ्टरनून के शोज की, देन आफ्टरनून शोज के बाद भी इवनिंग जो थे वो काफी अच्छा जंप लिया उन्होंने 30-33%। एंड गाइस रात के शोज वापस से डिप होके अब 28% पर आ गए हैं, यानी कि रात को शोज पिकअप नहीं ले रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया है थिएटर्स की लिस्टिंग। मुंबई की बात करें गाइस, मुंबई में 1016 शोज है। अब ये नंबर आप सभी लोग लिख कर रख लो, मैं भी बुक में लिख रहा हूँ 1016। हम मंडे देखेंगे इसके पास कितने शोज होंगे। अगर वाकई ये वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, आप सभी लोगों को रूल एंड ट्रिक मालूम है, ये उतना ही रहेगा। अगर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं 970-950 एंड फिर शो कैसा गिरता है आप सभी लोगों को मालूम है। अगले हफ्ते ओम आने वाली है, रॉकेट्री आने वाली है, ये दोनों फिल्में हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो काफी सारे शोज जो है वो जुग जुग जियो के ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बात करूं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की, तो गाइस दिल्ली एनसीआर अनदर स्ट्रॉन्ग जोन। अगर आपके पास 1031 शोज है, ऑक्यूपेंसी वाज ओनली 28%। बात करूं पुणे की, 331 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर 226 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 178 शोज में मॉर्निंग ओपन एट 5% एंड ओवरऑल ऑक्यूपेंसी ऑफ 18। कोलकाता की बात करूं 309 शोज में 18%। यानी कि पुणे गया, बैंगलोर गया, हैदराबाद गया, सब गया, ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर्स पे। अब सभी लोगों को पता है किस तरह से फिल्म चल रही है। बात करूं गाइस सूरत की, 197 शोज में सूरत मॉर्निंग 10% ऑक्यूपेंसी, ओवरऑल 13% ऑक्यूपेंसी। बात करूं जयपुर की, 159 शोज है एंड जयपुर में ऑक्यूपेंसी 21%। चंडीगढ़, पंजाबी फिल्म बना दिए, पंजाब में पिक्चर बिजनेस नहीं कर रही है, जस्ट इमेजिन। हाँ बात करूं चंडीगढ़ की, 106 शोज है गाइस, ऑक्यूपेंसी 23%। संडे को ही चंडीगढ़ में 23% है। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, एक बहुत ही डिसाइसिव दिन होगा। एंड रणबीर कपूर की जो मैं बात आपको मैंने बोला, उसने जो वर्ड बोला मैंने बोलना भूल गया, PR इज द डेथ ऑफ एन एक्टर, ये उसका एग्जैक्ट वर्ड है रणबीर कपूर का। PR इज द डेथ ऑफ एन एक्टर। PR यूज कीजिए, फिल्म के लिए यूज कीजिए, बस केवल थिएटर तक। जब फिल्म रिलीज हो जाती है ना तब मत यूज कीजिए पिक्चर को, क्योंकि आपको डीप विद इन पता है कि आपका कलेक्शन क्या है, आपकी फिल्म क्या कमा रही है। हमने हीरोपंती 2 के टाइम पर कितना बड़ा धोखा खाया था, मैं खुद गवाह बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा खुद का पोपट हुआ बैठा है वहाँ पर। हाँ भूल भुलैया 2 के टाइम पर भी हुआ था, लेकिन भूल भुलैया 2 अगले दिन से उसने रिजल्ट्स दिखाना शुरू किए। भूल भुलैया 2 ने हम सबको गलत साबित किया। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग लेके बैठिए गाइस आगे जाने के लिए। बात करो गाइस यहाँ पर भोपाल की, 94 शोज में 12% ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ में 201 शोज है, ध्यान से सुनना मंगता था आपको मैं, लखनऊ के आईनॉक्स के मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। 201 शोज में सुबह के शोज कैंसल हुए हैं एंड 4% की ऑक्यूपेंसी है लखनऊ में एंड ओवरऑल ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11% की है। ओके गाइस, सो माय प्रेडिक्शन फॉर जुग जुग जियो ऑन इट्स थर्ड डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इज कहीं ना कहीं 15 से लेके 15.5 करोड़। मैं आशा करता हूँ ये फिल्म और पैसा कमाए, जिन लोगों को पसंद आई है वो और लोगों को थिएटर में लेकर जाए। लेकिन इस सारी सारी चीजों का फैसला जो है वो कल मंडे को होगा,
जनता जनार्दन है, जनता की आवाज कोई नकार नहीं सकता। अब गाइस बात करें कि अगर ये 15 करोड़ रुपया कमा लेती है देन गाइस जुग जुग जियो का जो वीकेंड होगा वो 36 से लेकर 37 करोड़ होगा। लेट्स सी गाइस मंडे फिल्म का कितना आता है, क्योंकि फ्राइडे फिल्म ने 9.28 करोड़ कमाए हैं, इसे कैसे भी मंडे को 6 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना ही करना है। ओके गाइस, आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, जिन लोगों को पसंद आया होगा और जितना हो सके लाइक किए ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट मेरा काम जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। इसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल।